हेलो दोस्तों, तो देख लीजिए आज हम लोग जा रहे हैं 15 अगस्त मनाने। तो 15 अगस्त की आप लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं दोस्तों। और मैं आप लोगों को मोनू को दिखा रही हूँ, देख लो सेंट लगा रहे हैं मोनू। मम्मा को भी दो, लड़की वाला सेंट है, तुम लोगों का सेंट वाला है। तो मैं अभी लगा रही हूँ परफ्यूम। एकदम खुशबू ना मोनू। तो देख लीजिए दोस्तों, मैं आज ऐसा डिजाइन को साड़ी पहनी हूँ। तो मैं सोच रही थी कि मतलब आप लोगों को बताऊंगी ये वाला ड्रेपिंग मैं कैसे की हूँ। तो मनु के पापा दिखा दो थोड़ा। हाँ, देख लो दोस्तों मैं कैसी लग रही हूँ, कमेंट करके बताना। स्टाइल वाला है ना मनु। तो देख लो ये मेरा आज लुक है जो कि मैंने 15 अगस्त के दिन क्रिएट किया है। तो बहुत सारा तिरंगा छोटा छोटा लेके आए हैं हम लोग ये वाला। और आज हम लोग इसको इधर लगाएंगे। एक तो मैं लगा ली हूँ, मैंने पापा को एक लगाऊंगी। अच्छे से लगा, उल्टा हो गया, उल्टा रही है, घूम रहे हैं थोड़ा। तो को मैं लगाती हूँ, अच्छे से लगा लेती हूँ। और कूलर को बंद कर दिए हैं तो बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा है दोस्तों। और ये इतना भाव खा रहा है ना, मेरे को बोल रहा है तेरे को लेके नहीं जाऊँगा ऐसे पूरा था दोस्तों। तो मैं मोनू को ले जाऊँगा। ले ना, वो पसीना भी पक जाए। हाँ देख, देख रहे हो मोबाइल पकड़ते इसको पसीना आ जाता है। हाँ शक्ल देखो इसके, मोटे के शक्ल देखो। तुमसे तो पतली हो गई हूँ मैं, समझ गए, समझ गए, समझे कि नहीं। तो इस कौन मोटा है बताना, इसका पेट देखो मेरा देखो, कौन मोटा है मोनू? ये 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 मोटा है। तू मोटा है रे, तेरा पेट दिखा। नहीं है, नहीं मेरा मोनू, मेरा मोनू पतलू है, पतलू है ना मोनू। तो बस्ती में बहुत ज़्यादा कीचड़ हो गया है दोस्तों, पता नहीं रैली कैसे निकालेंगे। और मजबूरी का नाम है, क्या कर सकते हैं। है ना मोनू, कीचड़ है ना बहुत ज़्यादा, चल के आने में रैली निकालने में दिक्कत हो जाए। रुमाल पकड़ लो, पसीना आएगा एकदम। बैग नहीं लेंगे? नहीं नहीं बैग नहीं लेंगे। वो पर्स को लेके आया तो मम्मा का, ए उधर रखी थी मैं, अंदर ड्राज ब्राज में देख। हाँ उधर है रुमाल, ये वाला अच्छा है। छिरे कैसे स्मेल आ रहा है रे, ये पूरा नहीं सूखा है टाइप का स्मेल आ रहा है। इसमें परफ्यूम लगा दो। तो परफ्यूम वाला जुगाड़ तो बचपन का है दोस्तों, परफ्यूम लगा के जाओ बिना नहा दो। ये नहाया नहीं है, ये नहाया नहीं है दोस्तों, देख सकते हैं आप लोग। और कितना स्टाइल मार रहा है देख रहे। और मोनू देख लो कितना क्यूट लग रहा है मेरे बच्चा। चलो चलो, और कुछ बचा है क्या? पाउडर क्रीम, लिपस्टिक, बिंदी, इसको रख दो भाई, कोई बैठ देगा तो हो गया उसका काम तमाम। इसको बच्चे लोगों को दे दो। छोटा ए मोनू को लगा, उसका वाला है ये, मोनू का छोटा परफ्यूम फॉग है दोस्तों, जो कि मोनू अपने बाप को नहीं दे रहा है। बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा, मेरा ही औलाद है तू। हाँ मोनू रखा है, उसका वाला क्यों ले रहा है? उस मोनू का मत लिया कर, ले ना पकड़। जला रहे भैया।
लगे। सो फ्रेंड ये देख लीजिए बच्चे लोग, ये हमारा स्कूल है दोस्तों जहाँ पे मैं पढ़ाने के लिए जाती हूँ। और ये सारे बच्चे मोनू को भी देख सकते हैं, मोनू टाई और बेल्ट नहीं लगा रहे थे तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है उसका मन नहीं तो नहीं लगाते। और काफ़ी ज़्यादा कीचड़ था दोस्तों, इसके वजह से हम लोग ज़्यादा कुछ तैयारी नहीं कर पाए। ये भैया लोग हैं इधर गाँव के ही, तो आज पहली बार मैं अपने गांव का नाम रिवील कर रही हूँ। और देख लो मेरे गांव का नाम क्या है, तो आप लोगों को दिख गया होगा ये मेरे गांव का नाम है। मैं ऐसे अपने गांव का नाम नहीं बताती, लेकिन ब्लर करना भी कोई वजह नहीं बनता है। क्या ब्लर करोगे, है ना, ज़िंदगी में कुछ ब्लर वाला चीज़ ही नहीं है। ये बच्चे लोग पूरा नारा लगा रहे थे और हम लोग काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय किए दोस्तों, आप लोग भी इन्जॉय करिएगा। फिर मैं एक न्यूज़ देख ली कलकत्ता वाला जो डॉक्टर वाला, फिर मेरा मूड अपसेट हो गया था जिसके वजह से मैं एडिटिंग नहीं कर रही थी ना, मैं वीडियो मतलब शूट भी नहीं कर रही थी ना एडिटिंग नहीं कर रही थी। और मतलब एडिटिंग के टाइम ही मैंने वो वीडियो को देखा, ऐसे स्क्रॉल करते करते वीडियो आ गया सोशल मीडिया में मेरे में, तो एडिटिंग के टाइम में मैंने वीडियो देख लिया, उसके बाद मेरा मूड ऑफ हो गया और मैं वीडियो वगैरह नहीं बनाई। फिर ये हमारी मैम है जी, वो मेरे साथ में रहती है, तो हम दोनों साथ में ही खड़े थे तो मैं वीडियो शूट कर रही थी दोस्तों। और मोनू के पापा दूर में वो रसोई वाले रूम के पास खड़े थे, वो नहीं आ रहे थे पास में, तो इसीलिए कोई नहीं था वीडियो शूट करने के लिए। वो दिख रहे होंगे आप लोगों को किसको किसको उधर बात कर रहे थे। तो ये मैम है हमारी जो मेरे साथ में रहती है, दोनों हम लोग पढ़ाते हैं। तो ऐसे कुछ रहा हमारा 15 अगस्त, देख लीजिए कितना कीचड़ कीचड़, पूरा भीग रहे थे बच्चे, हम लोग सब लोग भीग रहे थे, पूरा पानी थोड़ा थोड़ा गिरा था उस टाइम स्टार्ट किए तब। अब जैसे स्टार्ट किए उसके बाद ज़ोर से गिरने लगा, देखो बच्चों का सर पूरा भीग गया है। और मेरा मोनू को पता नहीं क्या हुआ था, टाई बेल्ट नहीं लगाया, जब बैठने का टाइम आया तब टाई बेल्ट लगाया। हम लोग नगर नहीं घूमे दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा हमारी गली के रोड में बहुत ज़्यादा कीचड़ है जिसके वजह से नगर नहीं घुमाए बच्चे लोगों को, और पानी गिर रहा था उसके, वो भी एक वजह था। तो ये हमारा झंडा सलामी दे रहे हैं दोस्तों, देख लीजिए हमारा तिरंगा झंडा, आज 15 अगस्त के दिन में पूरा दिन रखे थे, उसके बाद शाम को निकाले दोस्तों। और ये भारत माता को आप लोग सोच रहे होंगे इतना ज़्यादा सिंदूर विंदूर की लगा दिए हैं, गुलाल लगा दिए हैं, तो हम लोग लगाए नहीं, बिंदी लगाए थे तो बरसात की वजह से पूरा नीचे बह बह के जा रहा था। तो देख लीजिए सब बच्चे लोगों का सर को देख के आप लोग समझ सकते हैं कि पानी कितना ज़्यादा गिर रहा है। और ये अभी कुछ गाना वाना गा रहे थे बच्चे लोग, राष्ट्रगान राष्ट्रगीत सब गाए दोस्तों, और छत्तीसगढ़ का गीत भी गाए। तो ऐसे ही बीता हमारा दिन आज का, आप लोग कैसे बिताए कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हमारा ऐसे रहा। तो देख लीजिए दोस्तों हम लोग आ गए हैं हमारे स्कूल से, हमारा स्कूल आप लोगों देख लिए होंगे, तो कैसे लगा कमेंट करके बताना दोस्तों। ये वाला साड़ी मेरा थोड़ा सिंपल था तो मैं ये वाला को पहनी थी, बाकी जो साड़ी था वो थोड़ा हैवी हैवी था तो उसको नहीं पहनी थी इसलिए दोस्तों। और ये मेरे पुत्र को देख लो ना बिट्टी, बिट्टी है तू, छोटी माँ छोटी वाली, क्या है ये, चॉकलेट, चॉकलेट खा रहा है, बच्ची मेरा टुकड़ू 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 टुकड़ू। तो और मैं देख लो कैसी लग रही है कमेंट करके बताना, मैं साड़ी पहनती तो अच्छी लगती हूँ ना, तो मैं साड़ी पहनूँ या सूट पहनूँ कमेंट करके बताना दोस्तों। तो मैं कुछ भी पहनूं मैं अच्छी ही लगती हूँ, आई एम वेरी वेरी ब्यूटीफुल। तो मैं ऐसे बात इसलिए करती हूँ, तो दोस्तों बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था मुझे क्योंकि मेरा मोबाइल क्या हुआ है, बोलो क्या हुआ है, क्या हुआ मेरा मोबाइल ख़राब हो गया, दिखा दो मम्मा का मोबाइल कैसे हुआ है। मेरा है, तेरा है, तो देख लो दोस्तों ऑटोमेटिकली कुछ कुछ हो रहा है इसमें, काम नहीं कर रहा स्क्रीन, देख लो किसी का फ़ोन आ रहा है तो भी उठा नहीं सक रही हूँ, लॉक नहीं खोल सक रही हूँ, तो ऐसे हो गया है। एक तो पहले से इसका कैमरा ख़राब है, मोनू का दोनों साइड का कैमरा ख़राब है, ये मेरा मोबाइल का दोनों साइड का कैमरा ख़राब है, उसके पापा का मोबाइल का कैमरा ख़राब है, बस यही एक मोबाइल है जिसमें बैक कैमरा थोड़ा सही आ रहा है।
और क्या बोलते हैं, फ्रंट कैमरा इसका भी ख़राब है, एकदम अजीब सा दिखता है। तो देखेंगे दोस्तों, मोबाइल तो अभी ले नहीं सकते। क्या नहीं हो रहा है? इसी वजह से दुख है मुझे काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। और मैं और मोनू का बदमाशी देखो, नहीं हो रहा है? वही तो बेटा, लॉक ही नहीं खुल रहा है, क्या करूँ? लॉक खुलता तो कुछ करती। तो ये वाले मोबाइल में नेटवर्क नहीं आता है, इसमें ये प्रॉब्लम है। ये वाला मोबाइल एक जन पैसा लगा था दोस्तों, तो क्या बोलते हैं, वो दे दिया था हम लोगों को। तो वो वाला मोबाइल है ये, और हमारा मतलब खुद का जो मोबाइल है वो इधर है। और ये वाला जो दिख रहा है, ये वाला, तो ये एक जन पैसा लगा था, तो पैसा देना नहीं तो मोबाइल ही दे दिया। बोला मोबाइल को ले जाओ, मेरे पास पैसा नहीं। तो इसी वजह से हाँ, ये मोनू का मोबाइल है। इसका भी कैमरा क्वालिटी बहुत ज़्यादा ही ख़राब है, इस पर टूटा हुआ है। इसका पासवर्ड तक मुझे नहीं पता है, क्या है पासवर्ड? पापा को पूछ। पासवर्ड क्यों लगा दिया मोनू के मोबाइल? तो इसका बाप पासवर्ड लगा दिया उसमें। तो ये हूँ मैं, और मैं कैसे लग रही हूँ? ये नया डिजाइन का मैं साड़ी पहनी हूँ, अच्छा लग रहा है ना दोस्तों? नया ड्रेपिंग मैं सीखी हूँ इसको, फिर मैं पहनी हूँ। आज फर्स्ट टाइम ट्राई की हूँ और मेरा हो गया। बच्ची गोली माँ, बाय दोस्तों बोल दे। बाय। हेलो दोस्तों। हेलो दोस्तों। अपना ख्याल रखना। अभी ये रो रहा था क्योंकि इसके लिए चॉकलेट नहीं दिला रहे थे हम लोग, इसलिए इसका दांत खराब होगा बोल के चॉकलेट नहीं दिला रहे थे, तो रो रहा था। तो ठीक है दोस्तों, अभी चलेंगे अपना मोबाइल बनवाने के लिए। मोनू के पापा रेडी नहीं हो रहे हैं क्योंकि उसमें 1200-1500 का खर्चा है, जो कि वो देना नहीं चाहता है मुझे पैसे। पता नहीं कब देगा, नया मोबाइल भी दिला नहीं रहा है। आईफोन एक दिला दे, मेरा सपना है, फिर भी आईफोन नहीं दिला रहा। आप लोग इसको वो तीन कैमरा सोच के आईफोन में समझना, 10,000 9,000 तक का मोबाइल होगा ये। आईफोन नहीं समझने का इसको, चाइना वाला फ़ोन है ये। हाँ, तो मेरा ख्वाब है दोस्तों आईफोन चलाने का, पता नहीं ख्वाब कब पूरा होगा जो मेरा है ना। पापा को फ़ोन खरीदने के लिए बोल देना, उसके पास खुद के पास पैसे नहीं रहते, हम लोगों से लेता है, वो आईफोन कर देगा हमारे लिए। इतना गंदा सा टेस्ट है इसका। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर देना हमारे चैनल को, सरप्राइज कर देना हमारे मोनू को। बाय बोल दो बेटा। बाय बाय दोस्तों। बाय।